सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगी। किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगी। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगी तभी दूसरों से सम्मान पाओगी। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा, धूप हो या छांव, काली रात हो या बरसात, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ। तू भी मेरे साथ साथ चल, कभी नहीं हारेगा। आज का पंचांग 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 7:05 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 1:35 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 2:49 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार। आज के दिन नई शुरुआत के लिए बिल्कुल सही है। आप अपने आप को पीछे ढकेलने वाली चीजों से आज मुक्त महसूस करेंगी। किसी नए अवसर में जिंदगी बदलने की क्षमता है, लेकिन आपको उसे समय रहते पकड़ना होगा। समय रहते लिया गया निर्णात्मक फैसला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण एवं लाभकारी बदलाव ला सकता है। काफी समय से प्रयासरत किसी कार्य के बन जाने से आपको सुकून और नई ऊर्जा महसूस होगी। आप तनाव मुक्त होकर अपने अन्य कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। परिवार संबंधित चल रही किसी समस्या का भी हल मिल सकता है। अपनी कार्य क्षमता और इच्छा शक्ति के बलबूते जीवन में स्थिरता प्राप्त करना संभव होगा। जिन भावनात्मक तकलीफों से आप गुजर रहे हैं उन्हें दूर करने का रास्ता मिल सकता है। आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन नकारात्मक विचारों की वजह से परिस्थिति में बदलाव नहीं दिखेगा। काम की जगह उच्च पद प्राप्त हो सकता है। काम की क्वालिटी पर ध्यान बनाए रखें। अपेक्षा के अनुसार पार्टनर जल्द ही प्राप्त होगा। बदन दर्द की तकलीफ भी हो सकती है। सावधानियां, पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें। इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध भी खराब हो सकते हैं। किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर आपको चिंता भी रह सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा तथा घर में अनुशासन पूर्ण वातावरण रहेगा। सावधान रहे क्योंकि धोखाधड़ी और प्रवंचना तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही है। हालांकि यह बिना किसी खास उद्देश्य के और बहुत लघु है, परंतु फिर भी ये आपको चोट पहुंचा सकती है। आज आप देने की प्रक्रिया में रहेंगे। आज का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में ये आपके प्यार को मजबूती प्रदान करेगा। भविष्य में आपको अपने प्यार पर खुशी मिलेगी, पर अभी बहुत ज्यादा व्यक्त करने से बचें। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपके लिए विवादास्पद दिन हो सकता है। आपका किसी के लिए बुदबुदाना या क्रोधित होना व किसी दूसरे के माध्यम से उन्हें पता चलने पर आपका पेशेवर जीवन बर्बाद हो सकता है। इसके अलावा आप किसी से किसी और का रहस्य खोल सकते हैं, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए आसपास के ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें। व्यस्तता की वजह से कार्यालय में अधिक समय तो नहीं दे पाएंगे, परंतु फोन के माध्यम से ही आपके कार्य संचालित भी हो जाएंगे। पब्लिक डीलिंग तथा मार्केटिंग संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, परंतु मशीनरी अथवा लोहे से संबंधित व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ सकती है। बात करते हैं सेहत की। आपकी खाना खाने संबंधित आदतें कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी। आपकी स्वास्थ्य ठीक रखने की सभी नेक इच्छाएं और
कोशिशें मजेदार फास्ट फूड देखते ही मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आप ऐसा करते नहीं रह सकती। आपको आज काफी आदतें जैसे मीठे स्नैक्स खाने से बचना होगा, क्योंकि इससे आपको पेट की गंभीर तकलीफें हो सकती हैं। आज आपको जरूर अपने लिए उपयुक्त और अधिक स्वास्थ्य अनुकूल डाइट प्लान बनाना चाहिए। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।